बहन सब जब मायके चली जाती है तो कुमार सब बिल्कुल आलसी हो जाते हैं, ना तो अखबार उठाया ना दूध उठाया। ये ली। अरे फ्रेडी, सुबह सुबह यहाँ पे क्या बात? अरे ठीक तो परेशान लग रहे हैं। आप बहुत लकी हो सर। तो ये तुम्हारी परेशानी है? अच्छा हुआ आपने शादी नहीं की, बल्कि मैं कहता हूँ किसी ने भी शादी नहीं करनी चाहिए। ओ, तो लड्डू खा के पछता रहे हो आप? बीवी से तू तू मैं करके आ रहे हो यहाँ पे? हाँ तू तू मैं। अरे सर मेरे घर में सिर्फ मैं चलती है। क्या हुआ क्या एग्जैक्टली? कैसी दिखती है मेरी बॉडी? एकदम फिट लगता हूँ कि नहीं? हाँ बिल्कुल फिट है। मगर मेरी पत्नी मुझे फैट कहती है। ओ। अब फिट और फैट के बीच में अंतर है कि नहीं? बिल्कुल। मगर उसे कौन समझाएगा? कल रात को मैं खटिया पे सोने गया तो खटिया टूट गई। हाँ इसमें मैं क्या करूँ, खटिया पुरानी थी। कहने लगी तुम्हारा वेट बढ़ गया है, तुम एक्सरसाइज नहीं करते। तुमने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया? टाइम कहाँ से निकालूं सर, दिन में सीआईडी की ड्यूटी, शाम को वाइफ की ड्यूटी, अब इस बीच में मैं जिम कब जाऊं सर? मैंने उससे कहा कि तू शाम को अकेली बाजार जाया कर ताकि मुझे जिम जाने के लिए वक्त मिले, लेकिन नहीं, भड़क गई मेरे पे। कहने लगे कि तू पहले तो बहुत टाइम निकालता था, मेरे इर्द गिर्द भवरे की तरह घूमता था, लेकिन अभी एक घंटे की फुर्सत भी नहीं है तुम्हारे पास। मैं क्या करूं सर? ये तो बहुत गलत हुआ, कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, भाभी को फोन लगा के बात करता हूं मैं उनसे। अरे नहीं सर। क्या हुआ? मरवा दोगे? क्यों? अगर उसे पता चला ना कि मैं कंप्लेंट लेकर आपके पास आया हूँ तो वो मायके चली जाएगी घर की चाबी लेकर, और फिर मुझे आपके घर में ही रहना पड़ेगा। मतलब मामला सीरियस है, रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्या करेंगे? सिवाय अफसोस के मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास एक उपाय है। क्या? भाभी को लगता है कि तुम फैट हो, फिट नहीं हो, है ना? तो तुम फिट हो जाओ। कैसे? एक्सरसाइज करके, और ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो तुम ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हो। मगर हाँ जब फुर्सत मिले तभी करना, ये तो इसी हिसाब को पता चल गया ना तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। अरे है ना, एक मिनट। हेलो, क्या कहाँ पे? ऐसा क्या हुआ होगा दोनों के बीच में जो नाई ने कुमार जी को ऐसा मार डाला? सर लगता है नाई ने बस आवेश में आकर इनका खून कर डाला, नहीं तो इतने सारे सबूत पीछे क्यों छोड़ जाता? आप रजत क्यों क्यों? समझिए एक बात बताओ, आपके कुमार साहब करते क्या थे? ये छोटे छोटे धंधे वाले जो लोग हैं ना उनको कर्जा दिया करते थे। अच्छा कर्जा देते थे। वैसे आप कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पर? वो जब स्कूल जाते थे। घर के बाकी परिवार वाले कहाँ पर हैं? मेम साहब तो बच्चों के साथ अपने मायके गई हैं दिल्ली, मैंने उनको फोन कर दिया है। एक बात बताओ, क्या कुमार जी अपने बाल घर पर ही कटवाते थे? सैलून में जाके बाल कटवाया करते थे। मतलब पहली बार उन्होंने घर में बाल कटवाए? इतनी रात गए? हाँ जी। इस घर की एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो, एक एक सबूत उठाओ और फोरेंसिक लैब भेज दो। रजत कुमार जी के नाई का पता लगाओ, उठाओ उसे। कुमार के नाई को बुलवा लिया? हाँ सर। इसका नाम सुंदर है और पिछले 4 सालों से कुमार के बाल यही काट रहा है। ये सुंदर, ये कुमार तुमसे ही बाल कटवाते थे? जी सर, 4 साल पहले जब मैंने अपनी दुकान की शुरुआत की थी तब से ही कुमार जी सिर्फ मुझसे ही बाल कटवाते थे,
और लगभग हर महीने 5 तारीख को वो दुकान पर आ जाते थे। अच्छा, जब कुमार जी का खून हुआ तो आप कहाँ थे? सर, मैं अपने दोस्तों के साथ 10 से 12:30 के शो के लिए गुड मूवी हॉल में सिनेमा देखने गया था। आप चाहें तो मेरे दोस्तों से भी पूछ सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्वी, गुड मूवी हॉल का CCTV फुटेज चेक करो, देखो क्या सुंदर सच बोल रहा है या पिक्चर के बीच में जाकर कहीं आया तो नहीं। पंकज, जब तक फुटेज चेक नहीं होता, चाय कॉफी पिलाओ इसे। एक बात समझ में नहीं आ रही, जो आदमी, मेरा मतलब एक कुमार, हर महीने के 5 तारीख को ही बाल कटवाता था, उसी रात, मौत की रात 11 बजे ही बाल कटवाने की उसे क्या जरूरत पड़ी? सर, अभी भी पता चला है कि बैंड्रा में एक आदमी का खून हो गया है और उसे भी कुमार की तरह मारा गया। उसकी लाश को फॉरेंसिक लेके आ रहे हैं। दो दो खून एक तरीके से, कहीं दोनों खूनों में कोई संबंध तो नहीं? विजीत, अब तो ये सारों के ही बताएगा क्या संबंध है इन दोनों खून में। हाँ सालुंके, उस सलून किलर के बारे में क्या पता चला? बस, खूनी बहुत ही पेशेवर हेयर स्टाइलिस्ट है, उसके हाथों में हुनर है अच्छे बाल काटने का। सालुंके साहब, क्राइम सीन पर जो सारी चीजें मिली थी, कपड़े, कैंची, बाल, उनसे कुछ और पता चला? कुछ खास नहीं रजत। खूनी इतना होशियार है कि उसने जरा भी, बिल्कुल भी अपनी उंगलियों का निशान नहीं छोड़ा कहीं भी, यहां तक कि कैंची पर भी अपना कोई उंगलियों का निशान नहीं छोड़ा। लेकिन एक खास बात है बॉस, जो पता चली है। वो क्या? बॉस याद है, इन दोनों के गले पर हमें पाउडर मिला था। सालू के साथ बाल काटने के बाद हेयर ड्रेसर गले पे पाउडर लगाता ही है। हाँ, लेकिन ये एक लाइट ग्रे कलर का पाउडर था, और इनफैक्ट तो बॉस ये पाउडर था ही नहीं। ये पाउडर नहीं है तो फिर क्या है? सब वो राख है, वो भी इंसान के अस्थियों की राख। क्या राख? इंसान की अस्थियों की राख? हाँ बॉस, और दो अलग अलग आदमियों की राख, और उस राख का DNA करने से पता चला कि जिन लोगों की राख है वो आपस में रिश्तेदार थे। दोनों आदमी थे, इसलिए रिश्ते में वो दोनों या तो भाई भाई थे या फिर बाप बेटा। भाई भाई या बाप बेटे, मतलब ये खूनी जिस कैंची से बाल काटता है उसी कैंची से खून करता है उन लोगों का, और फिर उनके गले पर इंसान की अस्थि की राख लगाता है। बड़ी अजीब बात है ये। हेलो, क्या कहाँ हुआ ये? उसके हाथ में बंदूक थी, कैंची थी। अब वहीं रुकिए, हमें भी पहुंचता है। क्या हुआ सर, कहीं कोई ऐसी लाश तो नहीं मिली? अभी तक तो नहीं सर। हाँ, एक औरत का फोन था, किसी आदमी ने पार्किंग लॉट से उसके हस्बैंड को अगवा कर लिया, उसके हाथों में कैंची थी। अगवा करने वाले के हाथ में कैंची थी? कैंची, तो फिर रजत यही है ये कैंची वाला हमारा खूनी, यही है ये हेयर स्टाइलिस्ट सलून किलर। आपने CID ब्यूरो में फोन किया था? हाँ सर, मैंने ही फोन किया था सर। वो लोग मेरे पति को ले गए सर, मेरे पति को बचा लीजिए सर, बचा लीजिए मेरे पति को। एक मिनट, मैडम शांत हो जाइए, आप ठीक से बताइए हुआ क्या, कौन ले गया आपके पति को? मुझे नहीं पता सर, मैंने उसे पहली बार देखा था, उसने अपने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। मेरे पति जैसे ही गाड़ी से निकले, पता नहीं कहां से वो सामने आ गया और मेरे पति के मुंह पर रुमाल रखकर उन्हें बेहोश कर दिया। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश भी की सर, लेकिन उस आदमी के हाथ में कैंची थी और उसने मेरे बेहोश पति को गाड़ी में बिठा कर पता नहीं कहां ले गया। सर, मेरे पति को बचा लीजिए सर, बचा लीजिए सर मेरे पति को। एक मिनट। सर, यहाँ पे एक रुमाल पड़ा हुआ है।
क्या ये कपड़ा इस्तेमाल किया गया था आपको पति को बेहोश करने के लिए? हाँ सर, ये वही कपड़ा है। सर, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया। लगता है सैलून किलर बड़ी तैयारी के साथ आए थे यहाँ पे। सैलून किलर? ये सैलून किलर कौन है? इसका मतलब वो मेरे पति को भी मार डालेगा? देखिए प्लीज, आप चिंता मत कीजिए, उससे पहले कि वो आपके पति तक पहुँचे हम उसे ढूंढ निकालेंगे। देखिए मैडम, आप ये बताइए कि जब वो लोग आपके पति को गाड़ी में डालकर ले गए तो आपने उस गाड़ी का नंबर देखा, कुछ याद है आपको? नहीं सर, नंबर प्लेट पे तो काला रंग लगा हुआ था, लेकिन गाड़ी के पीछे साइड पे कांच पे एक स्टिकर चिपका था जिसमें Q1 लिखा था। Q1? क्या उस स्टिकर पे कोई म्यूजिकल साइन भी बना हुआ था? श्रेया, तुम इस Q1 के बारे में कुछ जानती हो? हाँ सर, Q1 एक दुकान है जहाँ गाड़ियों के म्यूजिक सिस्टम्स बेचे जाते हैं। ओह, गाड़ी के नंबर प्लेट को काली करने से उसने सोचा कि वो बच जाएगा। बेवकूफ आदमी। Q1 म्यूजिक। बोलिए सर, मैं आपको किस तरह का म्यूजिक सिस्टम दिखाऊं? हमारे पास में वैसे हर बड़ी कंपनी का है, जो आप चाहें मैं आपको दिखा सकता हूं। वो सब छोड़िए सर, ये बताइए पहले ये गाड़ी कौन सी है आपकी? CID की गाड़ी है। सॉरी सर, पहले बताना था आपको। अरे यार, तो फिर फटाफट देख के बताओ अपने रिकॉर्ड में कि लेस्कॉट गाड़ी में आपने कुछ लगाया म्यूजिक सिस्टम वगैरह? जी सर। जी हाँ सर, इस तरह की चार गाड़ियों में मैंने ऑडियो सिस्टम फिट किया है। सिस्टम का जवाब नहीं सर, मार्वेलस। इसकी जितनी भी तारीफ कर रहे हैं सर, बहुत ही कम है। इसका नंबर देंगे आप? नंबर निकालिए। निखिल, पता करो ये गाड़ियां किसके नाम पर रजिस्टर्ड हैं और इनके पते क्या हैं। उन्हीं इन्हीं में से कोई है। सर, सब जगह देख लिया, बस ये आखिरी जगह बची है। हाँ निखिल, पिछले 3 जगहों पर तो कोई सुराग नहीं मिले, देखिए यहाँ कौन मिलता है। अरे, साला लगा हुआ है। क्या बात है सर? हम लोग CID से, हमें मिस्टर सुमुख से मिलना है। उनके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है XY35MT645। घर पे नहीं है क्या वो? साहब, मैंने सुना था कि वो 2 महीने पहले ही मर गया था। क्या? सुमुख 2 महीने पहले मर चुका है? जी साहब। और आपको? सर, मेरा नाम सनी है सर, मैं इसी खुली में रहता हूँ। सर, मैंने सुना था कि दोनों बाप बेटे ने आत्महत्या कर ली थी, बेचारे दोनों इसी खोली में जल के मर गए थे। ये सब कैसे हुआ? आप लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की? वो साहब, सब कुछ आधी रात को हुआ ना, तो किसी को पता ही नहीं चला, मैंने भी कोई आवाज नहीं सुनी। आप? साहब, मेरा नाम कांता है, मैं बाजू वाली खोली में रहती हूँ। अच्छा, ये सुमुख की जो गाड़ी है वो कहाँ है? गाड़ी? क्या सुमुख के पास गाड़ी थी? साहब, हमने तो कभी नहीं देखी, और सुमुख तो चल ही नहीं पाता था साहब, तो गाड़ी कैसे चलाता? सुमुख चल नहीं पाता था? जी नहीं। मधुसूदन को जिस गाड़ी में किडनैप किया गया वो गाड़ी सुमुख के नाम पर रजिस्टर्ड है, और सुमुख चल नहीं सकता था। ये क्या राज है तो दरवाजा खोलने के बाद ही पता चलेगा। जलकर आत्महत्या कर लेते हैं, जब तक दोनों जलकर पूरी तरह से राख नहीं हो जाते हैं, यहां पड़ोसियों को कुछ पता तक नहीं चलता। बड़ी अजीब बात है। मतलब सर, आपको शक है कि सुमुख और उसके पिता ने आत्महत्या नहीं की, उन दोनों को किसी ने जला के मारा, और आपको इनकी मौत का बदला ले रहा है? हाँ, और वो आदमी सुमुख का कोई करीबी दोस्त हो सकता है, या फिर उसके पिता का कोई करीबी रिश्तेदार। लेकिन एक बात है। वो कैसे? डॉक्टर सालुंके ने हमें बताया था कि मिस्टर कुमार के गले पे जो राख मिली थी
वो दो अलग अलग लोग थे और दोनों रिश्तेदार थे, तो हो सकता है कि दोनों बाप बेटे। सर इसका मतलब वो राख सुमुख और उसके पिता की है? हाँ मुझे शक तो है, पर कंफर्म करना बहुत जरूरी है। एक काम करो, डीएनए टेस्ट के लिए उनके बाल उठा लो यहाँ से, और बाथरूम से टूथब्रश, और घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है। सर ये एनवलप मिला है सर। ये तो लोन एप्लीकेशन है, गोल्डन फाइनेंस लोन एप्लीकेशन फॉर्म। गोल्डन फाइनेंस वो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है, कोई बैंक नहीं है। और ये फाइनेंस कंपनी का लोन एक्नॉलेजमेंट लेटर 2 महीने पहले का है, सुमुख के मरने से 2 महीने पहले का। क्या पता चला? तो सुमुख के घर से जो टूथब्रश और बाल के सैंपल आप लोगों ने भिजवाए थे, उसकी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। और नतीजा? परफेक्ट मैच। दोनों लाशों के गले पे पाई गई राख सुमुख और उसके पिताजी की ही है। मतलब मेरा शक सही निकला, कोई तो है, कोई तो है जो सुमुख और उसके पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। लेकिन सर ये समझ में नहीं आता कि मिस्टर पार्थ और मिस्टर कुमार को मारने से पहले उन्हीं ने उनके बाल क्यों काटे? एक क्राइम सीन को एक सैलॉन का रूप क्यों देना चाहता है? तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि ऐसे कौन करीबी लोग हैं सुमुख और उसके पिताजी के जो उनकी मौत का बदला लेना चाहते हैं, और फिर इन दोनों ने आत्महत्या क्यों की? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उन दोनों को मार डाला हो और आत्महत्या दिखा रहा हो। और सर मिस्टर पार्थ और मिस्टर कुमार को खूनी ने उनके घर में ही मारा, लेकिन मिस्टर मधुसूदन को उसने अगवा कर लिया जानबूझकर। हो सकता है मधुसूदन को किसी खास जगह ले जाकर के मारना चाहता हो। अच्छा गोल्डन फाइनेंस कंपनी, ओके ठीक है। सुमुख ने मरने से पहले गोल्डन फाइनेंस कंपनी से लोन लेना चाहा था। गोल्डन फाइनेंस कंपनी, हेलो सर, वेलकम टू गोल्डन फाइनेंस, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए हम लोग सीआईडी से और आपकी कंपनी के मालिक रघुवीर से मिलना चाहते हैं। सीआईडी से क्या बात है सर? हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी। कहाँ है वो? सर रघुवीर सर तो नहीं है, और आज वो ऑफिस में भी नहीं आने वाले। क्यों क्यों नहीं आने वाले? सर उनके पार्टनर मिस्टर पार्थ की हत्या हुई थी, तो आज उनकी शोक सभा है, तो सर वहीं पे गए हैं। पार्थ? ये वही पार्थ तो नहीं जिनका बांद्रा में खून हो गया? जी सर वही। अच्छा क्या पार्थ और रघुवीर कंपनी में पार्टनर्स थे? काफी समय से वो दोनों साथ में काम कर रहे थे, और ज्यादातर फैसले मिस्टर पार्थ ही लिया करते थे। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। पता लगाना पड़ेगा ये सुमुख पार्थ को जानता कैसे था, और फिर उसने पार्थ को मारा क्यों? मैं बिल्कुल अकेली रह गई। आपके बिना मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं, मैं कैसे जीऊंगी? रघुवीर जी, मिस्टर रघुवीर जी, रघुवीर माफ करना, इस समय आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोग सीआईडी से जी। मिस्टर पार्थ आपके बिजनेस पार्टनर थे? जी हाँ सर, 20 साल पहले मैंने एक कंपनी शुरू की थी जो पिछले 10 साल से घाटे में जा रही थी। पार्थ अगर उसे ज्वाइन नहीं करता तो कंपनी डूब जाती सर, मैं रोड पे आ जाता। बहुत अच्छा आदमी था सर। अच्छा आपने कभी किसी मिस्टर कुमार या मधुसूदन का नाम सुना? नहीं सर, मैं इन दोनों लोगों से नहीं मिला।
ना ही कभी पार्थ के मुंह से इनका नाम सुना है। लेकिन क्या हुआ सर? मिस्टर कुमार का भी खून ठीक उसी तरह से हुआ है जैसे मिस्टर पार्थ का हुआ है, और हमें शक है कि मधुसूदन को भी उसी खूनी ने हुआ किया है। खैर, आप ये बताइए कि आपको किसी पे शक है? नहीं सर, मुझे किसी पे शक नहीं है। पार्थ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल था, अपने घर और काम से मतलब रखता था, ना तो उसकी कोई बुरी सोहबत थी और ना ही उसे कोई बुरी आदत थी। मिस्टर पार्थ ने कभी सुमुक नाम के किसी आदमी के बारे में कुछ बताया? सुमुक? हाँ, सुमुक नाम के एक आदमी ने हमारी कंपनी में एक लोन के लिए अर्जी दी थी 25 लाख रुपए के, लेकिन पार्थ ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। ओ, और उन्होंने ऐसा क्यों किया था कुछ पता है? नहीं सर, लेकिन एक बात जरूर है, पार्थ को अगर लगता था कि कोई आदमी हमारा पैसा नहीं लौटा पाएगा तो वो उसकी अर्जी नामंजूर कर देता था, और उसका ये फैसला हमेशा ठीक होता था सर, इसीलिए हमारी कंपनी फायदे में चल रही थी। थैंक यू रघुवीर, थैंक यू। तो शायद सुमुक ने मिस्टर कुमार और मधुसूदन दोनों से कर्जा मांगा होगा। वैसे उनकी तो कोई भी फाइनेंस कंपनी नहीं थी। लेकिन कभी कभी बिजनेसमैन ऊंचे ब्याज पर कर्जा दे दिया करते हैं। एक काम करो, मिस्टर कुमार और मधुसूदन इन दोनों के परिवार वालों को और उनके ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं उन सबको ब्यूरो बुलाओ। सर, ये कुमार जी की पत्नी है और ये मधुसूदन जी की पत्नी है। और सर, ये दोनों मधुसूदन जी के कंपनी में काम करते हैं। सर, मेरे पति का कुछ पता चला? वो सही सलामत तो है ना? देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके पति को हम सही सलामत वापस ले आएंगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे मिस्टर कुमार छोटे छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे, है ना, और मिस्टर पार्थ की कंपनी लोगों को बिजनेस के लिए पैसे उधार देती थी, तो क्या वैसे ही मधुसूदन जी भी व्यापारियों को पैसे उधार देते थे, लोन देते थे? जी हाँ सर, वैसे तो हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस है, लेकिन मेरे पति लोगों को बिजनेस के लिए प्राइवेट लोन भी दिया करते थे। आप लोग मधुसूदन जी के ऑफिस में काम करते हैं, जरा याद करके बताइए, कोई सुमुख नाम का आदमी आया था क्या उनसे लोन मांगने के लिए? हाँ सर, 3 महीने पहले मिस्टर सुमुख की लोन एप्लीकेशन आई थी। लेकिन सर, सर ने उसे लोन देने के लिए मना कर दिया था। ये सुमुख तो मर चुका है और यहाँ तक कि उसके पिता की भी मौत हो चुकी, तो फिर कौन है जो ये सब कर रहा है? कोई ऐसा आदमी जो सुमुख और उसके पिता की मौत का बदला लेना चाहता है, करीबी रिश्तेदार या दोस्त। महाभिजीत, पता लगाना ही पड़ेगा इनके रिश्तेदार और दोस्तों के बारे में, पता लगाना ही पड़ेगा। शोभा जी, तो आप मालकिन इस जौल की? हुई साहिब, गरीब और मुसीबत के मारे लोगों की मदद करती हूँ, उनको खोली भाड़े पे देती हूँ। वो साहिब सोशल सर्विस। सोशल सर्विस? सोशल सर्विस करते करते यहाँ पे रहने वाले लोगों की पहचान पत्र की कॉपी नहीं लेती? राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं मिला हमें यहाँ से, जिससे सुमुख और उसके पिताजी के बारे में कोई जानकारी मिल सके? अरे साहिब, सब गरीब लोगों के पास किधर होता है पहचान पत्र? आपके पास उनका कोई फोटोग्राफ है? नहीं साहिब, सुमुख और उसके पिताजी 4 महीने पहले आए थे। साहिब, उसका लड़का विकलांग था, ठीक से चल भी नहीं पाता था, मैंने तो उसको खोली देके उसकी मदद की। साहिब, वो बाप बेटा दोनों जलकर मर गए। अरे, उसके बाद पुलिस का कितना लफड़ा झेला मैंने। अच्छा, आप लोग यहीं पे रहते हैं, किसी को तो इस खोली में आते जाते देखा होगा? नहीं। और आपने? सर, मैं तो यहाँ 3 महीने पहले ही रहने आया हूँ, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साहिब, ये सच बोलता है, ये तो अभी रहने को आया है। वो दोनों बाप बेटा ना किसी से बात नहीं करते थे, कोई रिश्तेदार दोस्त कोई उनको मिलने नहीं आता था। अच्छा, आप लोगों ने कभी उन्हें बात करते हुए सुना या फिर किसी का नाम का जिक्र करते हुए सुना? याद करिए। हाँ साहब, मरने से 3 दिन पहले रात को बाप बेटे में खूब झगड़ा हुआ और किसी बात को लेकर बहस भी हो रही थी। कैसी बहस? वो सुमुख अपने पिताजी को किसी कागज पे साइन करने के लिए कह रहा था और उसके पिताजी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मैं कोई साइन नहीं करूंगा। शायद सुमुख अपने पिताजी से किसी लोन के कागजात पे साइन करने के लिए कह रहा हो, गारंटर के तौर पर या किसी चीज को गिरवी रखे।
और उसके पिताजी मना कर रहे इस बात के लिए? हो सकता निखिल, पर अब तो सवाल वही है, आखिर वो कौन है जो सुमुख और उसके पिताजी के दर्दनाक मौत का बदला लेना चाहता है? ये सलून किलर आखिर है कौन? ये कैसे हो सकता है अभिजीत? चार महीने से सुमुख अपने पिताजी के साथ उस चाल में रह रहा है और फिर भी किसी भी पड़ोसियों को उनके बारे में कुछ पता तक नहीं। सर पड़ोसी बता रहे थे दोनों बाप बेटे में बनती नहीं है, बहस होती रहती है, इसलिए सुमुख के पिताजी ज्यादातर घर के बाहर रहते हैं और ये सुमुख अपाहिज होने के कारण घर के अंदर है। बाप बेटे किसी से बातचीत भी नहीं करते। सर बाप बेटे के आपसी झगड़े से किसी का क्या लेना था? और कोई इन्हें जला के क्यों मारेगा? और फिर खूनी ने मधुसूदन को क्यों किडनैप किया? और अगर किडनैप किया भी है तो छुपा के कहां रखा होगा? हेलो जी, हाँ कहां पे? ओके थैंक यू वेरी मच। सर जिस कार में मधुसूदन को किडनैप किया गया था उसका पता चल गया है, अभी थोड़ी देर पहले उसे गोमती नगर चाल के पास पाया गया है। तो फिर अभिजीत मधुसूदन को भी वहीं पे छुपा के रखा गया है, गोमती नगर। गोमती नगर यहां से हमें पैदल ही जाना होगा, लेकिन सावधान रहना, खूनी कभी भी कोई भी हरकत कर सकता है। इस बार वो हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। तुम से किसी ने गोली चलाई? नहीं सर, मैंने तो गोली नहीं चलाई। नहीं सर, मैंने नहीं चलाई। तब तो ये जरूर उसी खूनी का काम होगा। जिस दिशा से गोली की आवाज आई उधर आ जाओ। Q1 जिंदा इसे संभालो। आओ गज। खूनी को पता चल गया था कि हम यहां पहुंच चुके हैं। वापस चलो। सुनो, अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर। तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वो कौन था जिसने गोली चलाई? और वो तुम सबको मानना क्यों चाहता था? वो हमारे बॉस को ले गया। बॉस? क्या नाम है तुम्हारे बॉस का? लकी नाम है वो। लकी? और ये सब कौन है? सारे हमारे साथी। एक खूनी एक गुंडे को क्यों अगवा करेगा? सुन, इसने मुजरिम को देखा है, हर हाल में इसका बचना जरूरी है। हॉस्पिटल ले जाओ इसे। आप लोग वेट एरिया का ऑपरेशन करना होगा। देखिए डॉक्टर साहब, इस आदमी के बयान पर दो लोगों की जान दांव पर लगी है। दो लोगों की जान? मैं तो समझा नहीं। डॉक्टर साहब हम एक खूनी को ढूंढ रहे हैं, उसने दो खून किए और दो लोगों को पकड़ के रखा है, और उसके बारे में सिर्फ यही बता सकता है अभी यही। देखिए उसको होश ऑपरेशन के बाद ही आएगा, वो बहुत बह चुका है। मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता। हाँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कोई तो रास्ता होगा जिससे थोड़ी देर के लिए तो होश में आ सकता है। प्लीज डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में वक्त लगेगा और इसे होश में पता नहीं कब आएगा। उन दो लोगों की जान बचाने के लिए एक एक मिनट कीमती है। अगर ऐसा है तो एक रास्ता है, हम इसे होश में ला सकते हैं। क्या? मैं इसको एड्रेनालिन का इंजेक्शन देता हूँ। नर्स जल्दी जाओ। उसको देने के बाद इसको तुरंत होश आ जाएगा, लेकिन उसका असर कुछ देर तक रहेगा। लेकिन उसके बाद इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर ले जाना होगा, और मैं आपको एक सेकेंड भी नहीं दे सकता। क्या हुआ? चौल में किसी ने तुम पर गोली चलाई थी, कौन था वो आदमी? सुमुख का भूत लकी भाई को उठा ले गया। सुमुख का भूत? हाँ, लकी भाई ने उसे मार दिया था। अब वापस आ गया। ये बेहोश हो गया है, इसको ऑपरेशन के लिए ले जाना होगा।
सुमुख जिंदा है? उसी की तो राख मिली थी ना कुमार और पार्थ के गले में, तो फिर ये सुमुख जिंदा कैसे हो सकता है? अगर सुमुख जिंदा है तो वो राख थी किसकी, और इस वक्त सुमुख कहाँ है? इसका जवाब तो वो अकाउंटेंट देगा, लकी का सबसे विश्वासु अकाउंटेंट। उठाओ उस अकाउंटेंट को। सब कुछ बताता हूँ। तो बताओ मिस्टर विजय, तुम एक MBA हो, कहीं भी नौकरी कर सकते थे, फिर भी तुमने लकी जैसे क्रिमिनल के लिए काम करना उचित समझा। उसके गैर कानूनी धंधों का हिसाब किताब तुम ही संभालते हो ना? हाँ, मैं ही संभालता था। सुमुख के बारे में क्या जानते हो? सुमुख, उसने तो लकी भाई से 25 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन समय पर रकम लौटा नहीं सका, और उस वक्त लकी भाई को शहर में अपने नाम की धाक जमानी थी, इसलिए उन्होंने सुमुख और उसके पिताजी को मरवा दिया। लेकिन आप सुमुख के बारे में क्यों पूछ रहे? वो तो एक छोटी सी मक्खी। जिसे तुम एक छोटी सी मक्खी कह रहे हो, उसने लकी को अगवा किया, उसके सारे आदमियों को मरवा दिया। एक अपाहिज ने तुम्हारे लकी भाई को खत्म कर दिया, समझे तुम? अपाहिज? कौन है अपाहिज? सुमुख तो अपाहिज नहीं था। क्या सुमुख अपाहिज नहीं था? नहीं, लेकिन चौल में सबने बताया था कि वो अपाहिज था। नामुमकिन है, जब वो लकी भाई से उधार मांगने के लिए आया था तब मैं वहां पर मौजूद था। किसके मांगने आया था वो पैसे? वो नई दुकान खोलना चाहता था और अपने पिताजी के लिए नया घर लेना चाहता था, लेकिन वो अपने पैरों पे चलकर वहां पर आया था और अपने पैरों पर ही वहां से गया। सर फिर है कौन जो नकली सुमुख बन के घूम रहा है, जबकि असली सुमुख अपाहिज था और अपने पिताजी के साथ चल के मर चुका है? कौन ये बहरूपिया? अच्छा, तुम्हारे पास उस आदमी का पता है जो लकी से पैसे मांगने आया था? हाँ, मांडवा गली खोली नंबर 4। मांडवा गली खोली नंबर 4, ये तो वही चौल है जहाँ पे हम लोग जाके आ चुके हैं। ये वही जगह है जहाँ लकी ने अपने गुंडों को भेजा था सुमुख और उसके पिताजी को जला के मार डालने के लिए। एक मिनट, मेरे पास उस नई जगह का भी पता है। सुमुख ने दुकान बनाने के लिए इस जगह को भाड़े पे लिया था। 12 मयूर चौक नवीहार लेन। उसकी दुकान चलते हैं। बहुत कर ली उसने दुकानदारी। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बेवकूफी है? देखो मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारी मदद की हो, तुमने मुझे जबरदस्ती बांध के रखा हुआ है। देखो देखो, सारा किया जरा इस लड़की का है। तुम्हारे बाबा को मैंने नहीं मारा है, तुम्हारे बाबा को इससे मारा है। क्या बकवास कर रहा मधुसूदन? हाँ, जब इसने बचा हुआ पैसा नहीं दिया तो तेरे कहने पे मैंने इसके पिता को मारा, और इल्जाम मुझ पर लगा रहा तू? देखो मुझे जाने दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। मैं किस्सा कहता हूँ, 2 महीने लूंगा, सच कह रहा हूँ। क्या हुआ लकी? बोलती बंद ना। सर मेरा नाम सनी है सर, मैं इसी खुली में रहता हूँ। आप? मिस्टर मधुसूदन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट। कितनी उम्मीद लेकर आया था ना मैं तुम्हारे पास, मैं तो बस एक छोटा सा सैलून खोलना चाहता था। अरे भीख मांगने नहीं आता तुम्हारे पास, उधार मांगने आया था। पूरे कागजात नहीं थे मेरे पास बैंक से लोन लेने के लिए, मजबूर तुम जैसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पर तुम जैसे लोग खून चूस लेना चाहते हो हम जैसे गरीबों का। नहीं, लेकिन मैं ऐसा। लकी भाई, एक किस्त देने में देर कर देने पर कोई किसी के बाबा और उसके निर्दोष बेटे को
चलाकर मार सकता है क्या? गलती हुई, माफ कर दो प्लीज। अब मैं माफी मांग रहा हूँ, इसके बहकावे में आ गया था मैं, इसके मधुसूदन के, इसीलिए मैंने किया था। लेकिन सुनो, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिता को जलाकर मार डाला था, जिंदा कैसे बच गए? तुम्हारे बेवकूफ गुंडों ने मुझे नहीं मारा, मेरी जगह निर्दोष अपाहिज भाई को जलाकर मार दिया, समझे? क्या तुम्हारा छोटा भाई भी था? मेरा छोटा भाई भी था, वो चल नहीं सकता था। आखिर क्या दोष था मेरे भाई मृदुल का? उसको सुमुख समझकर इसके इसके गुंडों ने जलाकर मार दिया। मधुसूदन, तुम ये सोच रहे हो ना कि आखिर अभी तक मैंने तुम्हें जिंदा क्यों रखा है? क्योंकि क्योंकि तुम मुझे अच्छा आदमी समझते हो और सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ना चाहते थे। तेरी वजह से मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया है। तुझे बहुत बड़ी सजा दूंगा, तेरी आंखों के सामने मैं लकी का खून करूंगा, ताकि तू देख सके कि मरते वक्त कितना दर्द होता है। उसके बाद मैं तुझे मारूंगा ऐसे ही, ताकि तू एक बार नहीं बार बार मर सके। तुम ऐसा नहीं कर सकते लकी, तुम कुछ करो। हाँ मधुसूदन, मैं करता हूँ तुम्हारे अपने लिए कुछ। हाँ देखो, प्लीज भेज, छोड़ दो प्लीज। सुमक, सीआईडी, आप लोगों को इस जगह के बारे में किसने बताया? लकी के अकाउंटेंट, और तुम्हारा खेल खत्म। सब ऐसा नहीं कर सकता, बदले की आंख में मैं अंधा हो गया था। मैं तो एक सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता था, मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन मेरे बाबा स्कूल टीचर थे, ने मेरा ये बाल काटने का काम पसंद नहीं था, लेकिन मैंने भी ठान ली थी कि मैं हेयर स्टाइलिस्ट बनूंगा। जब मैंने एक सैलून में नौकरी करना शुरू की, मेरे बाबा ने मुझसे रिश्ता ही तोड़ लिया था। और तुम्हारे पिताजी शोभा जी की चौल में चले गए रहने के, और तुम भी उनके पीछे पीछे वहां चले गए और उसी चौल में रहने लगे। हाँ सर, जैसे ही मुझे पता चला कि बाबा और मृदुल वहां रहने लगे, तो मैं भी वहां शिफ्ट हो गया। लेकिन मेरे बाबा तो मुझसे गुस्सा थे, उन्होंने चौल में किसी को नहीं बताया कि मैं उनका बेटा हूं। पर मैंने भी ठान ली थी कि अपना खुद का एक सैलून खोलूंगा और बाबा को साबित कर दूंगा कि एक हेयर स्टाइलिस्ट बन के भी एक इंसान कामयाब हो सकता है, उसे इज्जत मिल सकती। और इसीलिए तुमने लोन लेने के बारे में सोचा? हाँ सर, पर फिर भी मुझे बैंक से लोन नहीं मिल पाया। एक बार मैंने कोशिश भी की, बाबा को गारंटर के तौर पर लोन के कागजात पर साइन कराने के लिए कहा, लेकिन मेरी उनसे बहस हो गई। ये बात कांता ताई ने भी सुनी थी, पार्थ और कुमार उन लोगों ने भी मुझे कर्जा देने से मना कर दिया था सर। और आखिर में सलून खोलने के लिए तुमने लकी से पैसे उधार लिए, क्यों? हाँ सर, और मेरा सैलून ठीक ठाक चलने भी लगा था, बस एक किस्त देने में देर कर दी थी। लकी ने अपने गुंडे भेजकर मेरे बाबा और मेरे छोटे अपाहिज भाई को जलाकर मार दिया था। और दुनिया के सामने तुमने अपने भाई की जगह खुद को मारा। हाँ सर, मुझे मेरे पिताजी और मेरे भाई की मौत का गम बहुत सता रहा था, मुझे चैन से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने पता लेने की ठान ली थी। फिर मैंने उनको एक कमाल का हेयर कट दिया, सबको मैंने एक एक करके मार डाला। जब तक फांसी का फरमान नहीं आ जाता, जेल में बैठ के दूसरे कैदियों को हेयर कट देते रहना, और तुम लोगों को भी सुमुख के पिता और उसके भाई के खून के इल्जाम में फांसी ही होगी। Oh.